हेलो गाइस, वेलकम टू इट्स स्टडी टाइम। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और जैसे कि हम सभी को पता है कि ये बहुत ही नॉर्मल सा एक टॉपिक है जो सभी आई गेस सभी बच्चों को आता होगा, क्योंकि ये हर स्टैंडर्ड में आई गेस चलता ही है। भले आप कॉलेज में भी आ जाओ ना, तो भी ये चीज़ आपको पूछेंगे कि सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आप डिफरेंस बताओ। 6 मार्क्स का हो तो भी आप ये आसानी से लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। अगर हम देखें तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, जिसमें एक कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होती है। सिंपल यानी सिंपल, कोई कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग को इसमें नहीं ऐड करनी है। तो कोई भी 2 या 3 कॉन्वेक्स लेंस डाल के कुछ मज़ा नहीं है, लाइक वो नहीं होगा, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप जिसमें सिर्फ हम एक ही कॉन्वेक्स लेंस डालेंगे, ओके। और रही बात कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, तो वो कंपाउंड है, वो ज़्यादा बड़ा है, तो वहाँ पे हम लोग 2 कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे, साथ में ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस भी यूज्ड होगा, ओके। तो ये कंपाउंड था, कंपाउंड बड़ा होना चाहिए। अगर सिंपल में एक कॉन्वेक्स लेंस यूज़ हो रहा है तो कंपाउंड में 2 यूज़ होंगे, ओके। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि इट्स अ मैग्नीफाइंग पावर इज़ लेस, मच लेस देन डेट ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ऑब्वियसली ये तो बात ही है कि सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर होगा, जो हम लोग जूमिंग पावर भी हम लोग बोल सकते हैं, तो वो क्या होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा लेस होगा इन कंपेयर टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ओके। और अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का अगर हम देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है उसका मैग्नीफाइंग पावर इन कंपेयर टू सिंपल माइक्रोस्कोप, ओके। तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है आई गेस, मुझे लग रहा है। और थर्ड वन अगर हम देखें तो इट इज़ यूज टू ऑब्जर्व माइन्यूट पार्ट्स ऑफ अ वॉच टू रीड वर्ड्स। मतलब कि देखो, सबसे सिंपल ये कि सिंपल माइक्रोस्कोप हम क्यों यूज़ करते हैं, जो भी पढ़ाई लिखाई वाली चीज़ें होती है, लाइक बहुत ही छोटी छोटी सी प्रिंट होती है, स्मॉल प्रिंट होती है, या फिर कोई भी माइन्यूट चीज़ें जो होती है हम लोग को देखना होता है, तो हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग आसानी से देख सकते हैं, ओके। रही बात कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, तो उसमें ज़्यादातर हम लोग एनिमल्स, ब्लड, प्लांट्स वगैरह, मतलब ये सब जो है, ये सब ही हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ब्लड कॉर्पसल्स, प्लांट, एनिमल सेल्स एट्सेट्रा, लाइक ये सब चीज़ें हम लोग को कंपाउंड माइक्रोस्कोप में चेक करना होता है। ओके गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे इस चैनल को, इट्स स्टडी टाइम। और आगे भी मैं ऐसे काफ़ी सारे स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ लेके आऊँगी। आप तब तक के लिए बने रहिए, स्टे ट्यून्ड।